हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। तो सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूला लिखे थे आपके थे कि ई एक्स एक्स ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए एक्स ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है, आपका लॉग एक्स ये लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले जैसा कि नेम है प्रोडक्ट रूल, तो अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि आपका ई फोर एक्स इंटू साइन एक्स, तो आप देखो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मैंने कोई भी एक्स फोर माइनस साइन एक्स, तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, एक्स फोर मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंड डिवाइडेड बाई टेन एक्स, तो इसमें आपका ये एक एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन का, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों आपके डिवाइड हो रहे हैं कोशियंट फॉर्म में, इट मीन्स इसमें आपका कोशियंट रूल लगेगा। अब मैंने कोई भी लिया कि जैसे ई टू द पावर फोर एक्स, आपका जो फंक्शन है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो आपका होता है ई एक्स, तो अब मेरा देखो यहाँ एक्स की जगह पर आपका आ रहा है फोर एक्स, मीन्स अदर देन एक्स कुछ भी आता है तो इसको बोलते हैं हम फंक्शन ऑफ फंक्शन, मीन्स आपका जो ई एक्स है एक्स जहाँ पर उसका जो डोमेन है क्योंकि एक आइडेंटिटी फंक्शन है यहाँ पर x, उसकी जगह पर आपका क्या आना चाहिए ओनली x आना चाहिए, अदर देन x कुछ भी आता है आपका दैट विल बी डिफरेंशिएट मीन्स दैट विल बी फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, और जहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन आता है वहाँ हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और इसी को बोलते हैं हम जो है चेन रूल। तो ये आपका चेन रूल, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा यहाँ चेन रूल लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं आपको चेन रूल के लिए शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं इसमें। वैसे हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो एज्यूम जैसे मैं इसको अभी करता एक्चुअल वे से, तो आप 4x को u लेते आप, अब जब इसको u लेते तो आपका जो एक्सप्रेशन होता वो आपका 4 e टू द पावर u। अब मैंने सपोज करो इसको मैंने y इक्वल टू लिया हुआ है और यहाँ पर y, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ आपका जो वेरिएबल है वो आपका u है, तो आपको जो मिलेगा यहाँ से dy वाई अपॉन डी यू मिलेगा जो कि आपका यू का आपका यू होता है, और मुझे फाइंड आउट मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना था x के रेस्पेक्ट मीन्स dy वाई अपॉन डी एक्स। अब आपका u जो वेरिएट है आपने u जो है इसको माना हुआ है, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको u इज इक्वल टू फोर एक्स है और डी यू अपॉन जो डी एक्स है, फोर कॉन्स्टेंट पार्ट है और x का आपका वन हो जाएगा, देन डी वाई अपॉन जो डी एक्स होगा इट कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो आपका ये डी यू कैंसिल हो जाएगा देन यू विल गेट डी वाई डी एक्स। तो इसका मतलब आपने ये आपके वैल्यू और इस वैल्यू दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और यू की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, तो ये इसका एक्चुअल मेथड है। अब इसके लिए मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को आपने किया या मैं दूसरा लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग e टू द पावर साइन एक्स, अब मेरा फॉर्मूला है ई एक्स, तो x के प्लेस पर मेरा क्या आ रहा है साइन, आप इसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन का मतलब है कि ये मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। अब मैं यहां लिखता हूं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अब मैंने इसको x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो ई एक्स का आपका ई एक्स हो जाएगा और x इज साइन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ जो आपका अंडरलाइन किया है दैट विल बी साइन एक्स, अब मैं इसमें साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स का मेरा खुद फॉर्मूला होता है एक्स ही, मेरा एक्स ही आ रहा है इट मींस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया आपका ई टू द पावर साइन एक्स, नेक्स्ट कुछ और लेते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स,
अब मैंने यहां पर देखता हूं ई एक्स के लिए ये मेरा अंडरलाइन करता हूं, ये मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहां पर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपने एक्स के रेस्पेक्ट किया तो ई एक्स का आपका ई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब जिसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन इसका करना है मुझे, तो यहां पर देखो ये मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों फंक्शंस मेरे प्रोडक्ट फॉर्म है, इट मींस वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो अब प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने इसको फर्स्ट माना है और इसको मैंने सेकंड माना है। इन दिस केस राइट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आपने मैंने ये कॉपी किया हुआ है इनटू डेरिवेटिव। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन आपने ये एक्स स्क्वायर कॉपी किया, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अब आपने सेकंड कॉपी किया प्लस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब आपको जो डेरिवेटिव करना है वो साइन एक्स, साइन एक्स का आपका सीधा फॉर्मूला है एक्स की जगह एक्स आ रहा है और एक्स स्क्वायर ये मेरा एक्स एन का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स पर आपका एक्स वेरिएबल और ये पावर कांस्टेंट, तो वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, तो इसमें आपका एक्स या एक्स आ रहा है, मींस दोबारा आप नहीं करना पड़ेगा इसका, आप डेरिवेटिव लिखते हैं तो देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉपी हुआ साइन एक्स का आपका कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स कॉपी हुआ देन एक्स स्क्वायर का आपका 2x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन टेक x कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स देन दैट विल बी आंसर। y इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, आपने x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, अब देखो ये log x, ये मेरा log x है, लॉगरिथमिक फंक्शन बनता है पूरा, तो x की जगह पर मेरा जो मैंने अंडरलाइन किया ये, इसका मतलब ये मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिस विल बी मींस लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x का 1 अपॉन x, ये आपने 1 अपॉन x लिख दिया। अब जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करना था, जिसको अंडरलाइन किया है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट में क्लोज करना है क्योंकि इसका पूरा जो आंसर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रा, यहाँ पर आपका देखो दो टर्म्स का सम है, मींस वी विल डिफ्रेंशिएट दिस एंड दिस सेपरेटली, दोनों को हम अलग अलग करेंगे, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ दिस विल बी वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आपने डेरिवेटिव, अब एक्स का आपका वन होता है, इट विल बी वन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब इसका जो डेरिवेटिव है आपका वो वन हो गया एंड प्लस रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। अब देखो मेरा x के प्लेस पर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा, सो यू कैन राइट हियर वन अपॉन टू रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो अब एक्स स्क्वायर का अलग करना है आपने ए स्क्वायर का अलग करना है, तो एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा टू एक्स बाई यूजिंग एक्स एन फॉर्मूला बट ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट मीन्स दैट विल बी जीरो, तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब ये जीरो करेंगे टू एक्स होगा, टू से आपका ये टू कैंसिल, अब टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, देन हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड प्लस हियर इट विल बी ओनली एक्स, तो ये है इसका प्रोडक्ट। अब देखो ये दोनों आपके सेम टर्म है, मीन्स इट विल बी कैंसिल आउट विद दिस, देन योर आंसर विल बी वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस।
तो आप देखो मैंने यहाँ चेन रूल मैंने आपको कुछ भी अज्यूम नहीं किया है, केवल अंडरलाइन करके ये अपने आपके अपने रेफरेंस के लिए आप उसको जहाँ एक्स है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है दैट विल यू विल डू अंडरलाइन दैट और उसके बाद आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो इस तरह से आपका चेन रूल जो आपका शॉर्ट मेथड में आ जाएगा, नहीं तो आपको एक बार पुट करना पड़ेगा फिर वैल्यू डालनी पड़ेगी फिर आपको पुट करना है फिर आपने वैल्यू डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब देखो मेरा एक्स ये वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका ये मुझे एक्स एन अपने रेफरेंस के लिए मुझे एक्स एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब एक्स एन में आपका एक्स की जगह पर मैंने जो अंडरलाइन किया है ये आ रहा है आपका, ये आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला योर डेरिवेटिव दैट विल बी मीन्स डिफ्रेंशिएट, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा एन पहले पावर आ जाएगी ए एक्स प्लस बी और पावर ए कम हो जाएगी एन माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया एक्स एन का। अब आपने जिसको एक्स एज्यूम किया था इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर मैं इसको अलग डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको अलग डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये प्योरली कॉन्स्टेंट है दैट विल बी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट विल बी जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब इस केस में आपका ए बाहर आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है, कोई भी कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव आपका वन, इट मींस ए विल बी आंसर ऑफ दिस। सो ए एंड एन हेयर एंड ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज योर ऑफ योर बुक एन सी आर टी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास इलेवंथ फर्स्ट। यहाँ पर देखो ये एलजेब्रिक है और ये एलजेब्रिक है, दोनों आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इट विल बी कॉपी, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन एंड डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम प्लस आपने यहाँ पर सी एक्स प्लस डी इसको कॉपी करना है टू द पावर एम एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन आपका ये हो जाएगा। अभी ए एक्स टू द पावर बी इसका तो आपने अभी भी किया हुआ है तो वहाँ आपने लिखना है, अब इसको मैंने कॉपी करना है इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, डेरिवेटिव आपका सेम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट एम आपका पहले जाएगा सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम माइनस वन और ये मेरा दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा। अब मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ इसका, तो इसका सी हो जाएगा इसका जीरो मीन्स सी प्लस सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम, अब इसका आपने एन पहले आ जाएगा आपका और ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन और ये आपका एक्स है, आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका ए एक्स का ए, सो दिस विल बी आंसर और यू कैन टेक कॉमन, यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ एन माइनस वन पावर कम है या एम माइनस वन कम है, इट मीन्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन एंड सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम माइनस वन, ये मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से। तो जब आपका एम माइनस वन कॉमन निकल जाएगा यहाँ से तो यहाँ बचेगा आपका एम इंटू ए एक्स प्लस बी और यहाँ से आपका बचेगा एंड सी ऑल्सो, सी आपका इधर है ये रह गया यहाँ पर सी इंटू एम और ए एक्स प्लस बी, यहाँ से एन इंटू ए प्लस एन ए और सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, सो दिस विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर आंसर, ये आपका इस आंसर की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब देखो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी है, आपका दोनों कोशेंट फॉर्म है, इट मींस वी विल अप्लाई द कोशेंट रूल, अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका डिनोमिनेटर कॉपी करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, अब आप न्यूमरेटर कॉपी करोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, आपका साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आपको डेरिवेटिव जो करना है वो आपको यहाँ करना है इसका, साइन एक्स का अलग कोई भी आपने एजम्पशन, कोई चेन रूल नहीं लगेगा इसमें, कॉस एक्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें भी कोई चेन रूल नहीं लगेगा, यहाँ भी साइन एक्स और कॉस एक्स, इट मीन्स इट विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का आपका कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ पर आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स और इसका माइनस, तो ये जाएगा प्लस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई इट, देन यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन। अब दोनों आपके कोशेंट फॉर्म में, तो अप्लाइंग कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर sec x प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर sec x माइनस वन माइनस न्यूमिनेटर sec x माइनस वन एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर sec x प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर sec x प्लस वन होल स्क्वायर। अब आपका इसका डेरिवेटिव करना है, sec x का आपका sec x tan x और इसका आपका जीरो हो जाएगा, देन इट विल बी sec x प्लस वन sec x tan x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस sec x माइनस वन और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका sec x tan x और वन का आपका जीरो हो जाएगा, देन sec x प्लस वन होल स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x प्लस sec x tan x, अब माइनस ये आपका sec स्क्वायर x tan x प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस वन होल स्क्वायर। अब ये आपका यहाँ sec स्क्वायर tan x प्लस और ये माइनस, देन टू sec x tan x अपॉन sec x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपका ये लाइन स्किप कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर मैंने कॉपी किया 3x प्लस सेवन कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर 4x का आपका 4 हो जाएगा, साइन x का आपका कॉस एक्स, अब माइनस 4x प्लस साइन x मैंने कॉपी किया, अब इसका जो डेरिवेटिव है 3x का 3 हो जाएगा और इसका माइनस 7 साइन x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, 3x प्लस सेवन कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट एक्सपेंड करो, यू विल गेट योर आंसर। ये आपका, ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, तो आप यू कैन सॉल्व द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ अ एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।